الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والساجدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام معزز بزرگو عزیز دینی بھائیو
अल्लाह जल्ल शानुहु व अमनवालुहु का मेरे और आप पर बेइंतहा करम व एहसान हुआ। कि अल्लाह जल्ल शानहु ने आज मुबारक महीने की मुबारक रात में दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला मेरे आपके मिल बैठने को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से मालामाल फरमाएं और जो बातें हमारे सामने रखी जाएं इन बातों पर मुझे भी हम सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब्दुल्ला इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब बात इरशाद फरमाते हैं कि नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, फरमाया कि मोमिन की नीयत उसके अमल से ऊंचा दर्जा रखती है। आदमी ने अमल कुछ नहीं किया लेकिन नीयत ये है मैं ये नेक काम करूंगा। अकायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नेक काम के इरादे पर उसके लिए नेकी लिख दी जाती है। उलमा फरमाते हैं कि एक शख्स का इंतकाल होने के बाद कल कयामत के दिन उसे मैदान महशर में बुलाया जाएगा और उसका शुमार हाजियों के साथ किया जाएगा। वो अल्लाह मियाँ से अर्ज करेगा मेरे अल्लाह मेरे पास माल था नहीं कि मैं तेरे दरबार को आता, मैं कभी हरम पे पाक में गया नहीं, मैंने कभी तवाफ नहीं किया, मैंने काबतुल्ला की चौखट नहीं देखी और मेरे हिस्से में हज कहाँ से आ गया। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जब तेरे मोहल्ले से हज के काफले जाते थे, जब हज के महीने में मालदार लोग हज करने के लिए जाते थे, क्या उनको देखकर तेरा दिल नहीं तड़पता था? कहेगा जी अल्लाह मियाँ बहुत तड़पता था। कहा तेरी इस नीयत पर हमने तेरे मुकद्दर में हाजी बनना लिख दिया था। ये हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बालातर हुआ करती है। हम सब नीयत करें अल्लाह ताला मुझे आपको वक्त पर जो बातें कहलवाए मुझे भी आपको भी हम सबको अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बड़ा मुबारक महीना चल रहा है, बल्कि मैं हमारे बच्चे मौलाना नासिर से कह रहा था कि दिल के अंदर जो जो बातें आ रही थी ये हमारे मुशफ़िक व मुरब्बी हजरत मौलाना शफीकुल्लाह साहिब ने आपके सामने रख दी। अब मेरे पास कोई बात ऐसी नहीं थी कि मैं जो आपके सामने पेश करूं, बस अल्लाह से दुआ करता हूं आप लोगों की तवज्जोहात की बरकत से अल्लाह ताला कुछ दिल में ऐसी मुफीद बातें डाल दे जो हम सब के लिए आखिरत में अल्लाह नजात का ज़रिया बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको अपने ख़जाने से अज़ीमुश्शान नेमत ईमान अल्लाह ने दिया है। ये नेमत इतनी बुलंद व बालातर नेमत है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने एक बंदे का नामाए आमाल पेश किया जाएगा और उससे उसकी कड़ी कराई का तमाम हिसाब व किताब लिया जाएगा।
उसके नामाए आमाल में कोई ऐसी नेकी नज़र नहीं आएगी कि जिनके सदक़े में उसकी मग़फ़िरत की जाए। जब तमाम उसके बद आमाल तौल लिए जाएंगे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ देखते हुए फरिश्ते से फरमाएंगे, जाओ उसके नामाए आमाल में एक पुर्जी है, एक कागज़ का टुकड़ा है, वो उठाकर ले आओ। रिवायत में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फ़ज़ाइल आमाल में हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल ईमान पर इससे मुतालिक बे इंतहा अहादीसों का तस्किरा जमा कर दिया है। तो फरमाया कि उसके नामाए आमाल के अंदर एक तरफ उसकी पूरी दुनिया होगी, एक तरफ ये एक पुर्जी, एक कागज़ का टुकड़ा लिखा जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अल्लाह की ये तमाम मखलूकात जितनी अल्लाह ने पैदा की हैं, ये सूरज कितना बड़ा है, ये चाँद कितना बड़ा है, ये ज़मीन कितनी वसी पड़ी है, ये बुलंद बाला पहाड़ जिनकी तरफ देख कर हमारी आँखें चुंडिया जाती हैं, लेकिन अल्लाह के इस कलमा और जो ईमान अल्लाह ने महज अपने फजल व करम से बिला इस्तेहकाक मुझे आपको नसीब फरमाया है, दुनिया की तमाम चीज़ें, पूरी दुनिया, चाहे वो बाग की शक्ल में हो, चाहे वो बुलंद बाला पहाड़ों की शक्ल में हो, चाहे ये ऊंचे ऊंचे महल्लात की शक्ल में हो, अल्लाह के नज़दीक खुदाई। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान दिया और इस ईमान की नेमत का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, ईमान क्या चीज है, ईमान हमें क्या दर्श देता है, उसके लिए अल्लाह ने मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी को मेरे आपके लिए आइडियल और नमूना बनाया। जैसा कि हमारे हजरत ने फरमाया था, वो अहादीस पर अहादीस पढ़ रहे थे और उन्होंने दलील के अंदर कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह वाली आयत की तिलावत की थी कि बंदा ये चाहता है मुझे अल्लाह की मग़फ़िरत मिल जाए, बंदा ये चाहता है मैं अपने अल्लाह के यहाँ मेरा एक मकाम हो जाए, अल्लाह ये चाहता है तू मेरे महबूब की सुन्नतों पर चलकर आ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों को अपना ले, तुझे जो मग़फ़िरत चाहिए, तू मेरी महबूबियत चाहता है, मेरे यहाँ मुकर्रब बनना चाहता है, तो उसके चाहने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मेरे आका की सीरत है, मेरे आका की सुन्नतों से मोहब्बत कर ले, मेरे आका वाली जिंदगी अपनी बना ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात इरशाद फरमाई है इन तालीमात पर अमल कर ले तो मेरा महबूब बन जाएगा और जो अल्लाह का महबूब बन जाएगा, अल्लाह ने फरमाया उसको मैं मग़फ़िरत कर दूंगा, उसको मैं माफ कर दूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स अपने ईमान में कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके पास मेरी मोहब्बत अपने तमाम मालो मता अपनी औलाद अपनी तमाम चीजों से ज्यादा न हो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे हजरत ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की वो कल कयामत के दिन मेरे साथ होगा और जिसने मेरी सुन्नतों को अपनाया वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि व नास अजमईन। उलमा फरमाते हैं खाना खाने का तरीका भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिंजा का तरीका भी सिखलाया, हमें खाने का तरीका भी सिखलाया, और फिर फरमाया सुन्नत मुबारका में खाने की सबसे बहुत प्यारी सुन्नतों में से सबसे पहली सुन्नत मुबारका ये है, हाथ धोने के बाद उसके बाद की जो सुन्नतें हैं, जब दस्तरखान पर आपके सामने खाना रखा जाए, एक शख्स का वाकया उलमा ने लिखा है, दस्तरखान पर खाने के लिए तशरीफ रखे और औरत अपनी बीवी उस वक्त खाने के अंदर नमक डालना भूल गई थी। और आज मेरे आपके हालात, अगर हमारी बीवी नमक डालना भूल जाए तो हम उसके साथ क्या मामला करेंगे, लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया खाने में ऐब मत निकाल लिया करो, वक्त पर अल्लाह जो खाना दे उसे खा लिया करो। हजरत हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो बड़ों की बातें हैं, लेकिन हम अदब के साथ अपनी बीवी को मुत्तले तो कर सकते हैं, अली पगली तो नमक डालना भूल गई, प्यार के अल्फाज उन्हें दे सकते हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी औरतों के साथ मुआशरती जिंदगी के तरीके भी हमें बतलाए, औरत को औरत का हक बतलाया, मर्द को मर्द का हक बतलाया, यहाँ तक के फरमाया कि दो बर्तन है जो अलग अलग जगह से एक जगह जमा किए जाएंगे, उसमें आवाज आएगी, मतलब ये कभी झगड़ा भी होगा कभी बोलना भी होगा, वो औरत है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, कुरान ने दोनों को एक अपने अपने लिबास के साथ तशबीह दी, तो उसका मतलब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये मामला औरत और शोहर को अपने आपसी मामला निपटा लेने चाहिए, बजाय उसके कि मामला तलाक तक पहुंचते हैं, गौर तक हमारी बातें पहुंचती है, और इस्लाम को चार दाम आलम में बदनाम करने के लिए आज कौन पलट पड़ी है, तो चाहिए हम अपने मुआशराती मामला अपने घर की चार दीवारों में उसे निकाले। तो मैं बात ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है, जब खाने बैठे ऐब मत निकाल लिया करे, हाँ अदब और उनका लिहाज करते हुए। इसीलिए बाद उलमा ने लिखा है कि जब आप खाने से दस्तरखान से फारिग हो तो खाने के बाद की जो दुआ है, तो उस दुआ के अंदर अल्लाहुम्मा अतिम मन अमनी के जगह मन अमना कहकर अपनी खाना बनाने वाली औरत के लिए भी दुआ कर लिया करो। फरमाते हैं वो शख्स खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे, खाने में नमक डालना औरत भूल गई थी, हाँ जाहिरी बात है जब वो भी हमारे साथ खाने बैठेगी वो भी लुकमा उठाएगी, उसे पता चलने ही वाला है कि नमक डालना मैं भूल गई हूँ, वो खुद अपनी गलती का एतराफ कर लेगी। लेकिन अगर आपने उसकी दिल जोई की, आपने उसका दिल टूटने से बचाया, देखो ये मेराज का महीना है और मेराज के महीने में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज मुबारक से तशरीफ लाए, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा ए मेरे सरदार आप अपने महबूब अपने अल्लाह से मुलाकात के लिए गए थे, जाहिरी बात है अब मैं यहाँ बंगाल में हूँ, मैं यहाँ से अपने मुल्क में जाऊंगा, अपने गाँव में जाऊंगा, मिलने वाले मुझे पूछेंगे आपने बंगाल वालों को कैसे पाया, मेरी कारगुजारी मुझे बयान करनी पड़ेगी, मुझे हालात बताने पड़ेंगे, मैं कहूंगा उनके अंदर क्या तलब है, कितने कितने मजमे जमा होते थे, वो किस तरह मेहमानों का इकराम करते थे, ये तमाम कारगुजारी मुझसे लोग पूछेंगे। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी तरफ से बहुत अच्छे हालात में पेश करूंगा, आपका खाया है आपका बुरा नहीं करूंगा, आपकी तरफ से बहुत अच्छे हालात में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ लाए, अम्मा जान आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा ए मेरे सरदार आप अपने खाली को मालिक से प्राइवेट मुलाकात के लिए गए थे, जहाँ जिब्राइल जाता उसके ऊपर जल जाते, आप गए थे, आप अपने परवरदिगार और अपने दोस्त के पास से क्या तोहफा लाया, मुझे पूछेंगे आपके बंगाली दोस्तों ने आपको क्या तोहफा दिया, मैं कहूंगा बहुत दुआओं से
से मुझे नवाजा, बड़ी मोहब्बतों से मुझे देखा, बहुत मोहब्बत दी। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, अपनी शाय निशान अल्लाह आपको बदला नसीब फरमाए। तो अम्मा जान आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कारगुजारी पूछी कि कोई खास तोहफा जो आपके दोस्त ने आपको दिया हो जरा मुझे बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने अपने पास बुलाकर मुझे एक खास तोहफा जो नमाज है इससे मुतालिक हजरत ने आपके सामने काफी गुफ्तगू की। मैं बताता हूँ कि जिसकी मुझे आपको बेइंतहा जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ने क्या तोहफा लेकर आए हैं, तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका से फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे प्राइवेट में एक तोहफा दिया है। फरमाया, ए मोहम्मद, तेरी उम्मत से मैं इतना प्यार करता हूँ, तेरी उम्मत को मैं इतना चाहता हूँ कि तेरा जो उम्मती अपना दुख किसी के सामने लेकर जाएगा, मिसाल के तौर पर मुझे तकलीफ है, मैं परेशानी में मुब्तला हूँ, मेरे ऊपर हालात है, ये हालात मैं हजरत के पास लेकर गया और मैंने अपनी कारगुजारी उन्हें सुनाई, मैंने अपने हालात सुनाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा, तेरा जो उम्मती अपने किसी उम्मती मोमिन भाई के पास जाएगा, अपने हालात सुनाएगा, अपने दुखों को सुनाएगा और इस दुखों को सुनने के बाद सुनने वाले हजरत ने तुझे तसल्ली के दो कलिमात कहे बजाय इसके कि आपके जख्म पर नमक डाला और आपको और ज्यादा तकलीफ में मुब्तला किया, बजाय उसके कि आप और परेशानी में मुब्तला हो गए। लेकिन अगर आपने किसी मोमिन को उनको तसल्ली के दो कलिमात कहे, उनके लिए हाथ उठाकर दुआ कर ली, अल्लाह तेरा अच्छा करेंगे, सब्र करना, ये हालात अल्लाह की तरफ से हैं, ये आपको जो चोट लगी है वो अल्लाह की तरफ से हैं, इस तरह उनको तसल्ली के दो कलिमात कहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरी उम्मत को ये तोहफा दिया है कि जो बजाय नमक छिड़कने के तसल्ली के दो कलिमात कहेंगे, कल कयामत के दिन, कल जन्नत में उसका और मेरा महल इस तरह होगा जिस तरह मेरी दो उंगलियां हैं। ये इस उम्मत का तोहफा है, ये मेराज का सबसे बड़ा तोहफा है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हुजूरे पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के सदके, आपके प्यारे और नूरानी तरीकों के सदके में अल्लाह ने मेरे आपके लिए नजात रखी है। अगर हम नजात चाहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, इत्तिबाए सुन्नत के बगैर ये हो ही नहीं सकता। दोनों जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उसका दामन थाम ले मोहम्मद जिसका नाम है कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी रात है, जुमेरात की रात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुमा के दिन मेरे ऊपर जो दुरूद पाक के नजराने पेश किए जाते हैं, फरिश्ता आपका और आपके बाप के नाम के साथ मुझे कब्रे अथर में आपका सलाम पहुंचाते हैं, इससे बड़ी शहादत मंदी की बात क्या हो सकती है। हम गुनहगार, हमारी गंदी जबान, हमारी आंखें गंदी, हमारे दिलो दिमाग की सोच गंदी और हम नाकारों के नाम उस हस्ती बाबरकत के सामने लिए जाए, इससे बड़ी क्या शहादत मंदी हो सकती है। पढ़ते रहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये मेरे आप पर अल्लाह और उसके फरिश्ते भी तो भेजते हैं, उनके साथ हम शामिल हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल लदीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। बिना शुबा अल्लाह और उसके फरिश्ते आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं, ए ईमान वालों, तुम भी उस नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। सरकार ने फरमाया, जिसने मेरे ऊपर एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना पेश किया सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतों का नुजूर फरमाते हैं। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जिनके दो नियामतें हासिल हो गई, एक मोहब्बत रसूल और एक अल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर जिसे नसीब हो गया, वो अपने ईमान में आले दर्जे पर अल्लाह ताला उसको कामयाब कर देंगे। ये दो चीजें ही हैं जिन चीजों से इंसान को अल्लाह ताला
बुलंदी पर पहुंचाते हैं। और उलमाए किराम हमारे हजरत मुहद्दिसीन इज़ाम सहाबाए किराम के हालात पर, ये सहाबाए किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा प्यार था और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह मर मिटते थे, सहाबाए किराम एक एक सुन्नत को किस तरह अपनी जिंदगी में बसाते थे और अल्लाह की खुशनुदे हासिल करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज के दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तौबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह के नबी ने इस आयत करीमा को तिलावत फरमाई। हजरत अबू दर गिफारी रजी अल्लाह तआला ने इस आयत मुबारक को सुना, सुनने के बाद हजरत अबू दर गिफारी फरमाते हैं, मैंने ये थाम लिया, मैंने ये तय कर लिया कि आज रात मैं अपने अल्लाह के सामने जबकि पूरे लोग सो जाएंगे, उम्मत सो जाएगी, मैं मस्जिद नबवी में आऊंगा, आने के बाद मैं अल्लाह के सामने नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह को ऐसा मनाऊंगा, ऐसे मनाऊंगा कि मुझे ये यकीन हो जाएगा कि मैंने अपने अल्लाह को खुश कर लिया। हजरत फरमाते हैं अबू दर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने ये तय किया। हकीकत ये है मेरे भाइयों, आज ये अल्लाह का खौफ अल्लाह का डर हमसे निकल चुका है, ये हालात हमें बता रहे हैं, हमारे हालात तो देखिए कैसे कैसे हालात से हमें गुजरना पड़ा। वो कौन सी मस्जिद है जहाँ कुनूते नाजिला न पड़ी गई हो, वो कौन सी दीवारें हैं जिन दीवारों के साथ कुनूते नाजिला की तकरार न की गई हो, लेकिन हालात क्या है, इन हालात को हमने देखे, इन हालात के हमने चर्चे किए, उनको हमने न्यूज पर देखे, लेकिन कोई अल्लाह का लाल सौ में एक नहीं मिलेगा कि जो इन हालात को देखकर अपनी जिंदगी को बदल चुका हो, जो रात तक सुबह तक अपने मोबाइलों में टीवी की स्क्रीन पर और न जाने कैसे तीन तीन पट्टियों में अपनी पूरी पूरी रात जैसे हालात से पहले गुजारता था, आज भी हमारी रातें ऐसे ही गुजर रही है। जरूरत है इस बात की, रातों की आहें ये हालात बदलेगी, ये हालात बता रहे हैं हमने अपने अल्लाह को बहुत नाराज किए हैं, हमने अपने अल्लाह को बहुत नाराज किए हैं। इसीलिए सैयद हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये ईमान ऐसे मेरे आप तक नहीं पहुंचा मेरे भाइयों, हमारे करीबी जमाने के बुजुर्ग का वाकया है, सहाबाए किराम तो बहुत दूर की बात, हमारे करीबी जमाने के मुहद्दिसीन के वाकयात पढ़े, अरे बानी ये तबलीग हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हजरत के साथ मेवात की गलियों में तबलीग की दावत देने के लिए गया, फरमाते हैं सुबह से लेकर रात तक मुसलसल अल्लाह के बंदों से मिलते रहे, अल्लाह के बंदों को कुरान हदीस सुन्नत की दावत देते रहे, अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए दावत देते रहे। हजरत फरमाते हैं मैं जवानी के आलम में था और हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अपनी पिराना साली में थे, रात का वक्त हो गया, ईशा की नमाज खत्म हो गई, मैंने हजरत से कहा हजरत आराम कर लेते हैं, पूरा दिन हम थके हैं, पूरे दिन हमने इस तरह निकाला है, हम आराम कर लेते हैं। चुनांचे फरमाते हैं मेवात की एक छोटी सी मस्जिद में हम पहुंचे, वहां जाकर हमने सोचा कि इस मस्जिद के अंदर हम आराम कर लेंगे, मालूम किया क्या यहाँ कोई जमात तशरीफ लाई है, कहा जी हाँ मस्जिद छोटी है, दो जमाते तशरीफ लाई है। हजरत मौलाना हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हजरत से कहा हजरत आप भी थके मारे हैं, मैं भी पूरे दिन का थका मारा हूँ, अभी थोड़ी देर होगी और ये अल्लाह के बंदे उठ जाएंगे और उम्मत के लिए चीख चीख कर दुआएं करेंगे, हजरत आप भी थके हुए हैं, मैं भी थका हुआ हूँ, हमारे नींद में खलल हुआ क्यों होगा, बेहतर है हम इस यहाँ से एक मस्जिद बदल ले। हजरत मौलाना सैयद हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपना बिस्तर उठाया, मैंने हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह का बिस्तर उठाया, हम आगे चले और एक मस्जिद के अंदर पहुंचे और वहां मस्जिद में जाकर मालूम किया कोई तबलीग जमात तशरीफ फरमा नहीं थी, हमने सोचा चलो आप भी थके हैं, मैं भी बहुत थका हूँ, हम यहाँ आराम कर लेते हैं। हजरत सैयद हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अभी तो
तो हम सोए ही थे, कुछ देर हुई और एक कोने से चीख चीख की आवाज सुनी हुई कि कोई अल्लाह के सामने दाड़े मार मार कर रो रहा है। हजरत फरमाते हैं मैं उठ गया, मेरी नींद खुल गई। जब वहां जाकर देखा तो हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने अल्लाह के दरबार को खटखटा रहे थे। जब तक रोएंगे नहीं, जब तक ये आंसू बहाएंगे नहीं मेरे भाइयों, रात नींद का वो वक्त है जिस वक्त में हमें अल्लाह को मना लेना चाहिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जन्नत और अपनी जहन्नम दिखाई, वो रात ही का वक्त था। मुफस्सिरीन ने लिखा असरा आया, यानी ये रात ही का वक्त था और रात का वक्त तो पता चला, इससे इशारा कर दिया कि रात में अपने महबूब को खालिक ने मुलाकात के लिए बुलाया। अगर आज से लेकर कयामत की सुबह तक जो बंदा अल्लाह का महबूब बनना चाहता है, रात के आंसू उसे अल्लाह की महबूबी नसीब फरमा दे। मेरे भाइयों, कहने का मतलब और मंशा ये है, अब तक की गुफ्तगू मेरी आपने सुनी, बात जरूरत है इस बात की, बात कहां से चली थी कि जिसके अंदर अल्लाह का खौफ और मोहब्बत रसूल जिसे हासिल हो गई, उसने अपनी ईमानी हलावत को पा लिया। ये बुजुर्गों के किस्से हैं, एक नहीं ये हजारों किस्से हैं कि जब बंदा रोता है अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह अपने बंदों से अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। एक माँ जब एक छोटा सा बच्चा नन्ना होता है, और देखो मिसाल में उलमा ने लिखा है अल्लाह ने हरम और रहम इन दोनों को पर वजन रखा कि दोनों के अंदर ऐसी सलाहियत रखी कि रहम के अंदर बच्चा इतना था, इतना हुआ यहाँ तक के 9 साल का हुआ वो अंदर दस्ता रहा। इसी तरह हरम पाक में देखिए कि जब हज का महीना होता है तो 30 लाख 40 लाख 50 लाख हरम अपने अंदर समोलता लेता जाता है। इशारा कर दिया कि माँ की रहम से जो बच्चा, माँ इतनी मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से कि हम अंदाजा नहीं कर सकते, वो अल्लाह जो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते होंगे। एक माँ जो अपना बच्चा रोता है, छोता है, माँ उसके आंसू को समझ लिया करती है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों से भी मैं कहूँगा अपने माँ बाप की कदर करे, अपने माँ बाप की कदर करे, यही तुम्हारी जन्नत है, यही तुम्हारी जहन्नम है। अगर उनको राजी रखा वो आपसे खुश रहे, इंशाअल्लाह आपको जन्नत में ले जाएंगे। अगर उनको आपने सताया है उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि दुनिया में उसका मजा अल्लाह न चखा देंगे। इसीलिए मुफस्सिरीन कुरान हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आपने अपनी जिंदगी में 70 मरतबा अल्लाह की ज्यारत की है, 70 मरतबा अल्लाह की ज्यारत की है। लिखते हैं कि एक रास्ते से गुजर रहा था, किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो वहां से कुत्ते की तरह, गधे की तरह चीखने की आवाज आ रही थी। मैं डर गया, मैं वापस आया। आने के बाद मैंने मालूम किया कब्रिस्तान के पूरे कोने के अंदर किसको दफन किया गया है। कहा आगे जाइए, एक झोपड़ी है, वहाँ आपको एक पूरी औरत मिलेगी, उससे पूछ लीजिए वो बताएगी। चुनांचे हजरत फरमाते हैं मैं पहुंचा, मालूम किया कि कब्रिस्तान के खुला कोने से कौन सोया है जहाँ से गधे के तरह चीखने की आवाज आती है। जवाब दिया वो मेरा ही बच्चा है, रात में 3-3 बजे तक जागता था, टी पट्टी में अपनी पूरी रात निकाल देता था, अय्याशी में पूरी रात निकाल देता था। मैं अपने बेटे को बुलाती थी और समझाती थी बेटे रात के वक्त सो जाया करो, बेटे अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है, अल्लाह के सामने मांगने के लिए बनाई है, रात के वक्त सो जाया करो। जब मैं उसे समझाती वो जवाब देता अरे तू गधे की तरह चीखती है, देखो अल्लाह ने क्या अजाब दिया कि कब्र के अंदर से आवाज आ रही है कि वो गधे की तरह चीख रहा है। लेकिन माँ माँ होती है, जब ये हालात सुने फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुई, ये अल्लाह मैंने अपने लाल को माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे। हजरत फरमाते हैं जब वहां से गुजर रहा था वो आवाज बंद हो गई तो माँ की दुआ लिया करो, माँ की दुआ से बचा करो। जिसने माँ की दुआ कर ले लिया, जिसने माँ की खिदमत की, खुदाए पाक की कसम अल्लाह दुनिया उसके कदमों में डालेंगे। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी की, दुनिया को छोड़ा, अल्लाह को अपनाया, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के मुबारक और नूरानी तरीकों पर अपनी जिंदगी को बसाया, अपने हर दौर में हर मोड़ पर आका की सुन्नतों को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारी। अल्लाह ताला दुनिया भी उसके कदमों में डालेंगे, आखिरत की भलाइयां भी अल्लाह नसीब फरमाएंगे। जरूरत है इस बात की, मुझे भी आपको भी, कि हम अल्लाह के रास्ते में जाए, अल्लाह का दीन सीखे, कुरान सीखे। हमारी माँ बहने भी कुरान सीखे। मेरे भाइयों, हमारी मीटिंगें इसके होनी चाहिए, कल कयामत आएगी। अरे आज तू जवान है, कल हम छोटे थे, बड़े हुए, जवान हुए, अधेर उम्र के हुए, 50 साल हुए, 60 साल हुए, अब एक घड़ी आएगी कि हम अल्लाह से मिल जाने वाले हैं। तू तेरी कब्र में सोएगा, मुझे मेरी कब्र में सोना है। और कब्र के मनाज़िर तो अल्लाह के नबी ने इस तरह बयान किए हैं कि जैसे ही बंदा कब्र में रख दिया जाएगा और कफनाने वाले वहां से चले जाएंगे, उनके पैरों की आहट बंद हो जाएगी। अल्लाह ताला दो फरिश्ते भेजेंगे जिनको मुनकर और नकीर कहते हैं, जो इस वक्त भी मेरे दाएं और बाएं हमारे पास बैठे हैं, उसको अल्लाह ने सीसी कैमरे की शक्ल में हमारे सामने लगाए हैं, जिनके सामने हमारा पूरा नामा आमाल हमारी जिंदगी है। जैसी जिंदगी गुजारेंगे वैसी मौत आएगी, जैसी मौत आएगी इस तरह उठाए जाएंगे। तो चुनांचे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जाते ही फरिश्ते आएंगे और सवाल करेंगे, मन रब्बुका, अगर दुनिया में हमने रब को रब माना है, दुनिया में उस रब के लिए हमने मेहनतें की हैं और उसको मनाने के लिए उसके सामने रोए हैं, तो वो अल्लाह हमारे आंसुओं की बहुत कदर करते हैं। मन दीनुका, जो दीन मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे लाकर दिया था, उस दीन के बारे में सवाल किया जाएगा। आज तक आपने कोई उस्ताद ऐसा नहीं देखा होगा कि जो इम्तिहान से पहले सवाल का पर्चा आपको खोल दे कि तुम्हें क्या पूछा जाएगा। आज तक कभी किसी ने सुना? अरे बाज मरतबा हम अपने बच्चे का इम्तिहान लेते हैं, पूछते हैं बता उसमें क्या है, इसमें से जो निकलेगा आपको इनाम देगा। लेकिन कब पता? जब बताएगा तब। अल्लाह ने पहले से, जबकि दुनिया बनी है, जबकि हम माँ के पेट में थे, लिख कर पर्चा दे दिया है, बंदा अमला, तुझे दुनिया की जिंदगी दी जा रही है, क्यों? तेरा इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान में अल्लाह तू क्या पूछेगा? अरे इम्तिहान में तुझे 3 सवालात होंगे। अल्लाह वो 3 सवालात कौन है? कि मन रब्बुका, मन दीनुका, मन नबीयुका। ये 3 सवाल हल करने के लिए तुझे इतनी 50, 60, 70 साल जिंदगी दी है। इस जिंदगी में ये 3 सवाल तू हल करके आएगा। मेरे भाइयों, मेरी आपकी जवानी उस अल्लाह के लिए गुजरे। वो अल्लाह हमारे बड़े कदरदान है, वो अल्लाह हमारे आंसुओं की बहुत कदर करते हैं, वो अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं। बस बंदा आए उस अल्लाह को मना करने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आकाएदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मुझे आपको ये दीन दिया है। मैं अपनी बात को आगे की बात से मिलाकर फिर खत्म कर दूं कि आकाएदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मुझे आपको जो दीन मिला है, ये दीन अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब है। और जो इस दीन से मोहब्बत करता है, जो आकाएदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, हजरत ने जो शेर पढ़ी थी मैं उसकी तशरीह बयान करूं। मेरे पीरे तरीकत हजरत मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान साहिब इलाहाबादी, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगी को आफियत के साथ दराज फरमाए, अभी कुछ वक्त पहले गुजरात तशरीफ लाए थे और ये शेर झूम झूम कर पढ़ रहे थे। मोहम्मदुन बशरुन लैसा कल बशरी या को तो हजरुन लैसा कल हजरी। फरमाते हैं एक अल्लाह वाले बयान के दौरान इस शायर को गुनगुना रहे थे, आकाएदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शायर को और आपकी मदा आपकी तारीफ कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि अचानक आप पर सत्ता ताड़ी हुआ, खामोश हो गए, अपनी गर्दन को झुका लिया और खामोश बैठ गए। मजमे पर एक कैफियत ताड़ी हो गई, आखिर हजरत को क्या तकलीफ पहुंची? क्या कोई बीमारी में तो मुब्तला नहीं हो गए? लेकिन कुछ देर के बाद जब होश संभालने के बाद हजरत से पूछा, हजरत अचानक आप
आप पर क्या हालत तारी हो गई थी, आप झुम झुम कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह मुबारक बयान कर रहे थे, अचानक खामोश हो गए। जवाब दिया, हकीकत बात ये है, जब मैं मेरे महबूब की तारीफ कर रहा था, अचानक अल्लाह की तरफ से दिल पर इल्का किया गया, ए शान पढ़ने वाले, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाले, जो महबूब मुझे बहुत पसंद था, जिस महबूब को मैंने अपने हाथों से बनाया, जिसके नाम पर अल्लाह ने पूरी कायनात को मैंने बनाया, उस महबूब की तू तारीफ कर रहा था, मेरी रहमत जोश में आई और मैंने ऐलान कर दिया, इस शार पढ़ने वाला अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाला और पूरे मजमे सुनने वाले के आज मैंने लिए मगफिरत का ऐलान कर दिया। उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं और आप उम्मती हैं, हम उनके उम्मती होने की कदर करें। वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस उम्मत के लिए किस कदर रोया है, इस उम्मत के लिए किस कदर तड़पा है। रिवायत में आता है, एक मर्तबा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जन्नत की औरतों की सरदार, हुज़ूर कुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का तारा सितारा दौड़ता हुआ अपनी बगल के अंदर एक रोटी का टुकड़ा लेकर छुपा कर खिदमत में पेश हुई और आने के बाद फरमाया, अब्बा जान कई दिनों से फाके से चल रहे थे, अब्बा जान कई दिन गुजर गए, खाने के लिए कोई लुकमा नहीं था, अब्बा जान हमारे घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन भगवा किया ये है, कई दिनों के बाद अली को आज काम मिला था। हजरत अली काम पर गए, काम पर जाने के बाद इतना कमा कर लाए कि मैंने 5 रोटियां बनाई, फरमाया मैंने 5 रोटियां बनाई, अब्बा जान हसन कई दिनों से भूखे थे, एक रोटी मैंने हजरत हसन को खिलाई, एक रोटी मैंने हुसैन को खिलाई, नवासे रसूल हजरत हुसैन को खिलाई, एक रोटी अब्बा जान अल्लाह के नाम पर कोई साहिल दर पर आ गया मैंने उनको हदिया कर दी, 2 रोटी बची थी, अली भी कई दिनों से फाटे थे, एक रोटी मैंने अली को दी, अब्बा जान एक रोटी मेरे हिस्से में आई। वाकया ये है अब्बा जान, मैं जब खा रही थी, जब मैं उसे खा रही थी, मुझे याद आया, हे फातिमा तू तो तेरे दस्तरखान पर मजे ले लेकर रोटी खा रही है, न मालूम तेरे अब्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह की क्या हालत होगी। अब्बा जान आधी रोटी मैंने खाई, आधी आपकी खिदमत में लाकर पेश करती हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा तो जहरा से फरमाया, हे फातिमा 3 दिन हो गए तेरे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह के हलक से एक रुकमा तक नहीं गया। मेरे भाइयों, इस उम्मत के लिए क्या किया है, आज मैं और आप क्या अपनी अय्याशियों में अपने दिनों को काट देंगे, क्या हमारी जिंदगी जिसे पहले की इस तरह चलती रहेगी, ये कैसे होगा। हालात बदल रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर आ जाओ। अल्लाह ने फरमाया, मेरे भाइयों मुझे माफ कीजिए, हमारी हरकत देखिए, जिस तरह बंदर अपनी कैद रखता है, आज मेरे नौजवान भाई इस तरह कैद रखते हैं, पूरी पूरी रात मोबाइल में मुब्तला, पूरी पूरी रात अय्याशी में गुजर जाती है, फिर जब फजर का वक्त शुरू होने आता है, नौजवान सोता है, 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठता है। मेरे भाइयों, क्या ये इस तरह अय्याशी के साथ जिंदगी गुजारने वाला आकाए दोजहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिल सकेगा, क्या आका ने ये सिखाया। अरे नबी ने फरमाया, ईशा के बाद जल्दी सो जाओ ताकि फजर में उठने में आपको मदद मिले। हाथ उलता है, फजर से पहले हम सो जाते हैं ताकि फजर भी गई, जोहर भी गई और असर के वक्त बात में होते हैं, 3 की नमाजें हमारी गफलत में। अल्लाह ताला मुझे आपको माफ फरमाए, हमारी कमियों को अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने दियार में बुलाया है, अल्लाह ने हमें इस मजलिस में बिठाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां अलग अलग खानदान से लोग जमा होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा करते हैं, फरमाते हैं जब ये मजलिस खत्म होती है, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं, मेरे फरिश्तों की जमात तुम कहां जाकर आए, जमात कहती है, हालांकि अल्लाह जानते हैं, वो तो मेरे आप की रगों में दौड़ने वाले खून के कतरे को भी जानता है, हमारी धड़कन किस तरह बदती है वो भी वो सुनता है, वो समीउ बसीर है, वो अल्लाह जानने के बावजूद फरिश्तों से पूछता है, ए मेरे फरिश्तों की जमात आप कहां चले गए थे, आप कहां जाकर आए। फरिश्ते जवाब देते हैं, ये अल्लाह मियां हम खुला बस्ती के अंदर गए थे, जहां तेरे बंदे तुझे और तेरे रसूल को याद कर रहे थे। अल्लाह पूछेंगे, क्या आप
आप कहाँ गए थे और क्या कह रहे थे, मेरे बंदे क्या चाह रहे थे। अल्लाह ताला पूछने जानने के बावजूद फरिश्तों से पूछते हैं और फरिश्ते कहेंगे ये अल्लाह तेरे बरगुजीदा बंदे थे, उसमें नौजवान भी थे, मासूम बच्चे भी थे, माएं और बहनें भी थी, उलमाए किराम भी थे। अरे फरिश्ते, अल्लाह ताला पूछते हैं फरिश्तों से आखिर मेरे बंदों ने क्या तलब किया। कहा अल्लाह वो तेरी जन्नत को तलब कर रहे थे। फिर अल्लाह पूछते हैं किस चीज से वो पनाह मांगते हैं, जवाब देते हैं अल्लाह जहन्नम से उन्होंने पनाह मांगी है और तेरी बेबहा जन्नतों की बहारें मांगी है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं ए फरिश्तों की मुकद्दस जमात तुम गवाह रहो इन तमाम मजलिस वालों की मैंने मकफिरत कर दी। मेरे भाइयों बड़ी मुबारक रात है, मुबारक घड़ी है, अल्लाह ने मुझे आपको अपने फज़्ल व करम से जमा किया है। ये कदम उठे नहीं उठाए गए हैं, खुदाए पाक की कसम दरख्त का एक पत्ता अल्लाह की इजाजत के बगैर हिल नहीं सकता। इतनी बड़ी मगफिरत की मजलिस में मैं और आप अपनी सलाहियत से कैसे आ सकते हैं, हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह ताला मेरे आपके मिल बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह इस गांव को क्या अल्लाह ताला इस निंदरिया गांव को अल्लाह दीन रोग ने रात चौकी तरक्की नसीब फरमाए। हमारी प्यारी मस्जिद की तामीर शुरू है, आप सब जानते हैं अल्लाह ताला इस मस्जिद की जितनी जरूरियात है वो सब हम सब के जिम्मे हैं, हम सबको मिलकर उसको अदा करना है। इसलिए कि आकाए दो जहां सबको जन्नत चाहिए नहीं, सब जन्नत चाहते हैं कि नहीं। मैं आपको एक अमल बताता हूं, अगर आपने खुदा की कसम उस पर अमल कर लिया और इखलास के साथ कर लिया, मैं आपको वादा करके जाता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जरूर जन्नत देंगे। सबको चाहिए नहीं, लेकिन मैं जो मांगूंगा देंगे आप। जन्नत इतनी आसान नहीं है कि आपने कह दिया मैंने दे दिया, आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। अरे आज तो एक रुपए का बैगन भी सब्जी वाला रुपया लिए बगैर देता है किसी को। अगर आपका खेत हो उसके अंदर दूधी लौकी लगी हो या उसके अंदर न मालूम प्याज लगे हो, मैं आपके पास आऊंगा, या पपीता लगा है पपम जिसको बोलते हैं, अगर आपकी बाड़ी में मैं आऊंगा और आपसे मांगूंगा मुझे पपीता चाहिए, क्या कहेंगे मौलाना 50 रुपए किलो है। जब तक 50 रुपए नहीं देंगे पपीता नहीं मिलेगा, है कि नहीं। ये सब्जी नहीं मिलेगी, ये दाग आपको नहीं मिलेगी। तो इतनी बड़ी जन्नत कि जिस जन्नत को अल्लाह ने जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसका बगास अल्लाह ने जाफरान से सजाया हो, हीरा मोती से उसे लगाया हो, जन्नत में एक हूर है, उस हूर के चेहरे पर उसकी पेशानी पर लिखा है, क्या लिखा है, अल्लाह को राजी करके आओ। उसके यहाँ लिखा है अल्लाह को राजी करके आओ। सब जुमा की रात है और कल सुबह जुमा है। जन्नत के अंदर बंदे को खेती का शौक होगा, अल्लाह ताला वहाँ खेती का नज्म करेंगे। लेकिन जन्नत के अंदर आज मुझे आप और हम मार बहने लिपस्टिक लगाते हैं, हम अपने आप को गोरा दिखाने के लिए न मालूम कैसे किसी क्यों इस्तेमाल करते हैं। जन्नत में हर रोज जुमा के दिन एक बाजार लगेगा, इस बाजार के अंदर बंदा जाएगा और घूमते हुए देखेगा और वहाँ वो उस बाजार के अंदर अच्छे अच्छे मॉडल बिकेंगे। हम शोरूम पर जाते हैं तो सुजुकी के फुला फुला मॉडल जो भी उठाओ, लेकिन यहाँ पैसे देकर यहाँ जमा कर दिया, यहाँ हमने जमा कर दिया, अल्लाह ताला वहाँ देंगे। ये नकद पैसा है, वहाँ यहाँ उधार है, ये मौत का इंतजार करेंगे, है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने बेबहा जन्नत, तो जन्नत के उस बाजार के अंदर मॉडल बिकेंगे। क्या बिकेंगे? मॉडल बिकेंगे। जब जन्नती जन्नत में जाएगा और जुमा के दिन मतलब बाजार लगेगा और वहाँ मॉडल बिकेंगे, डिस्प्ले पर मॉडल होंगे। लिखा है रिवायत के अंदर कि जो जन्नती जिस मॉडल को चाहेगा सिर्फ दिल के अंदर ख्याल करेगा मुझे ये चाहिए, फौरन उसका मॉडल बदल दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें ऐसी बाबहा जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन उसके लिए क्या है मेरे भाइयों, मैं और आप हम सब जानते हैं, हम सबको बताएं हमारी मस्जिद की तामीर हो रही है और ये किसी के लिए नहीं है, मुझे आपकी इबादत करने के लिए है। ये हमारा घर है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत, जिसने दुनिया में मेरे लिए घर बनाया, दोगे ने आप मुझे वादा किया है आपने,
आपने मुझे वादा किया देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो यहाँ से जाऊंगा नहीं, सबके घरों में जाकर निकालूंगा, देना पड़ेगा, यहाँ से किसी को नहीं जाने दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत, जिसने दुनिया में मेरे लिए घर बनाया मैं जन्नत में उसके लिए घर बनाऊंगा।